हेलो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस बन गए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए आपने, बहुत सारे ओपनिंग्स के वीडियोस मेरे चैनल में देख लिए हैं। आज से मैं आपको एक ऐसे तरीके से ओपनिंग तैयार करवाऊंगा, मतलब कोई एक ओपनिंग हम आज हाथ में लेते हैं, जैसे कि सिसिलियन डिफेंस। तो वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप उसके सारे वेरिएशन, जब तक हमको पूरा सिसिलियन डिफेंस अगेंस्ट खेलना नहीं आता है वाइट से, तब तक ये कंटिन्यू जिसकी हम सीरीज बनाते रहेंगे। तो आज से मैं आपके लिए पहले शुरुआत करूंगा सिसिलियन डिफेंस से और हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन डिफेंस, मतलब सामने वाला जब e4 अगेंस्ट c5 खेलता है तो आपको अटैकिंग मूव्स कैसे मिलेंगे। तो ये वन बाय वन आपको सारे सीरीज ऑफ सिसिलियन, जैसे कि हम 15-15 मिनट या 12-12 मिनट का कोई भी वीडियो लेते हैं, तो आपको पता ही है कि कोई भी ओपनिंग इतनी छोटी नहीं होती कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस चाहिए। तो मैं आपसे एक बात मैंने तय की है कि मैं आपके लिए सिसिलियन जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम मोरा गैम्बिट के सीरीज ही बनाएंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज आपको तैयार करनी है तो मेरे सारे वीडियोज़ वन बाय वन देखने होंगे। मोरा गैम्बिट पार्ट वन, मोरा गैम्बिट पार्ट टू, ऐसे सभी वीडियोज मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सिसिलियन मोरा गैम्बिट पार्ट वन, हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सिसिलियन मतलब e4 हम खेलते हैं, ब्लैक खेलता है c5, दिस इज सिसिलियन। सिसिलियन में नॉर्मली ज़्यादा ओपनिंग नाइट f3, देन d6 और नेक्स्ट डोर फिर ड्रैगन वगैरह बहुत सारे लाइंस है दोस्तों, लेकिन हम सब में नहीं पढ़ेंगे। हम एक अटैकिंग लाइन पकड़ते हैं क्योंकि वाइट प्लेयर चाहेगा कि उसे पहले से अटैक करना मिले, और पहले से वो डिफेंसिव प्लेयर होगा तो उसे खेलने में मजा नहीं आएगा वाइट पीसीस लेके। तो शुरू करते हैं सिसिलियन क्या, मोरा गैम्बिट क्या है। तो सेकंड मूव में d4 होता है, यहाँ पे एक पॉन सेक्रीफाइस वाले मूव है मोरा गैम्बिट में, c takes d4। देखो, ये मोरा गैम्बिट में वाइट अगर फुल्ली प्रिपेयर होगा तो ब्लैक की हर एक मूव को पकड़ लेगा, हर एक मिस्टेक को पकड़ लेगा। इस कौन सी मिस्टेक है मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड, उसके बाद हम खेलेंगे c3, d takes c3। अब देखो, ब्लैक को पॉन इक्वल प्लस रखना है तो पॉन मारना पड़ेगा। यहाँ पे हम knight takes c3 करते हैं, उसके बाद a6 यहाँ पे जल्दी इतना जरूरी नहीं है, अर्ली मूव है लेकिन रॉन्ग मूव है a6। नॉर्मली e6 या फिर d6 खेल सकता है ब्लैक, ये प्रॉपर लाइन है, लेकिन a6 मुझे क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप c4, ये सिसिलियन मोरा गैम्बिट का सेटअप है वाइट से। अब देखो, इतने मूव हो गए दोस्तों, कितने मूव हो गए, ओनली 5 मूव। 5 मूव में आपका बिशप डेवलप हो गया। यहाँ पे ब्लैक अगर b5 करता है तो ये एरर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। किसी को पता नहीं होगा कि इतने मूव में कैसे ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये तो बिशप डेवलप के लिए मूव है और हमारे बिशप पे थ्रेट भी है, तो ब्लैक की ओर से ये कहाँ मिस हो गया। तो यहाँ पे देखो, सिंपली बिशप f7 सेक्रीफाइस आता है, king takes f7, queen d5 चेक, e6, queen a8। कई लोग ऐसा सोचेंगे कि सर आप रुक लेने जा रहे हो लेकिन आपकी क्वीन वापस भी तो आनी चाहिए यहां से, रुक तो मिल गया लेकिन हमारी क्वीन ट्रैप भी तो हो सकती है। नहीं होगी, मैं बताता हूं कैसे नहीं होगी। ब्लैक खेलेगा queen c7 नाइट को सपोर्ट करने, उसके बाद ब्लैक आइडिया bishop b7, लेकिन queen c7 में आपको खेलना है bishop e3, bishop b7, queen a7, knight c6 और queen b6, 1-0। रिजल्ट यहां पे वाइट सिंपल विनिंग अ पीस, रुक प्लस हो गया है और सिंपल एंडिंग भी आ जाएगी, आपकी क्वीन भी अब डेंजर से बाहर हो गई है। तो चलिए देखते हैं दूसरा, यहाँ पे 5 मूव में ब्लैक ने गड़बड़ कर दी, मतलब मिस्टेक कर दी, 5th मूव में मिस्टेक। देखते हैं आगे,
कुछ पोजीशन दोस्तों, ये सारे मूव्स आपको नोट डाउन करने हैं वन बाय वन, जैसे कि लेक्चर वन लेक्चर टू आप ऐसा नाम दे सकते हो, या फिर लाइन वन लाइन टू, जो आपकी मर्जी आए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। और फिफ्थ मूव में ब्लैक ने एरर किया है, तो वहां पे आप एक क्वेश्चन मार्क करके रेड पेन से अलग उसे दिखा सकते हो। दूसरा देखते हैं, e4 c5 देन d4 c into d4 c3 d takes c3 knight takes c3 d6। यहां पे बंदे ने परफेक्ट खेला है d6। यहां पे हम खेलेंगे knight f3 bishop g4। अब ये नोरा गैम्बिट में ज्यादातर नहीं खेला जाता है। नॉर्मली ब्लैक का डेवलप ऐसे होना चाहिए e6 देन a6, पर bg4 ये मुझे पसंद नहीं आया ब्लैक के मूव। यहाँ हम तो खेलेंगे बिशप c4 ही, क्योंकि वाइट मोरा गैम्बिट खेलना चाहता है। तो नाइट ऑन c3, बिशप ऑन c4 और नाइट ऑन f3, ये तीन आपके मूव्स परफेक्ट होने चाहिए। तो आफ्टर bc4 यहाँ पे हम ब्लैक की मिस्टेक की राह देखते। नॉर्मल खेलेगा तो हम रिप्लाई देंगे, कैसल करेंगे, बिशप e3 खेलेंगे, कुछ भी करेंगे। Nf6 ये ब्लैक की मिस्टेक है। Nf6 क्यों मिस्टेक है मैं बताता हूं दोस्तों, यहां भी आप पकड़ लोगे। ये मूव नंबर है सिक्स, ब्लैक का मूव नंबर सिक्स, ध्यान रखो। हम इसे रिपीट कर रहे हैं, e4 c5 d4 c takes d4 c3 d takes c3 knight takes c3, उसके बाद d6 knight f3। जनरली बिशप c4 भी पहले खेला जाता है, लेकिन कई बार हम ब्लैक को कंफ्यूज करने के लिए knight f3 और bg4 खिलवाने के लिए खेल सकते हैं। तो बिशप g4 देन बिशप c4 Nf6, यहां मूव नंबर सिक्स में गलती कर दी ब्लैक ने। ब्लैक को यहां पे सिंपली e6 खेल करके खेलना था। Nf6 इज ए ब्लंडर। अब क्यों ब्लंडर है, यहां पे देख सकते हो बिशप सेक्रीफाइस आता, बिशप टेक्स f7 आफ्टर किंग टेक्स f7, ब्रिलियंट मूव, आप सोच भी नहीं सकोगे। नाइट ई फाइव चेक। अब देखो पॉन टेक्स नाइट नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वीन d8, तो किंग e8 फोर्स मूव और सिंपल व्हाइट विनिंग अ पीस बाय Nf4। कैसी लगी ट्रैप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। और दोस्तों वन बाय वन सारे वेरिएशन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, और आज तक बहुत ही कम कमेंट्स मिल रहे हैं मेरे वीडियो में, तो मुझे हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। इतने अच्छे वीडियोस मैं बनाता हूँ और आपके लिए हर संडे में मेहनत करके तैयार करता हूँ। तो और हो सके तो जितने ही अपने ग्रुप में हैं उसे शेयर कीजिए, और शेयर करने से आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, कोई कम नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नया e5 ब्रेक बताता हूँ आपको। e4 c5 d4 c takes d4 c3 d into c3 knight takes c3। यहां पे वही वेरिएशन है जो d6। यहां पे दोस्तों मैंने knight f3 की जगह मूव ऑर्डर ओरिजिनल लाया हूं bishop c4, क्योंकि जनरली हमें bishop c4 पहले खेलना जरूरी है। Nf3 मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कभी कभी Nf3 सामने वाले को कंफ्यूज करके हम ये bishop g4 खिलवाने के लिए खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा bishop c4 फर्स्ट। bishop c4 के बाद यहाँ पे ब्लैक अगर Nf6 करता है तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, नेक्स्ट देखो मूव नंबर फिफ्थ आप नोट डाउन कर लीजिए कि मूव नंबर फिफ्थ में ब्लैक ने Nf6 किया, तो ये मिस्टेक है। नेक्स्ट फिर से देखिए e4 c5 d4 c takes d4 c3 d takes c3 knight takes c3 d6। यहां पे देखना है d6 है दोस्तों, d6
नॉट ई सिक्स नॉट ए सिक्स, ये मूव्स आपको ध्यान में रखने हैं कि डी सिक्स में क्या आता है, ई सिक्स में क्या रिप्लाई आता है और ए सिक्स अगेंस्ट क्या है। मैं सभी के रिप्लाई अलग अलग आपको बता दूंगा। आज हम देख रहे हैं डी सिक्स के सामने बिशप सी फोर और यहाँ पे नॉर्मली नेचुरल मूव ई सिक्स होना चाहिए। मूव नंबर फिफ्थ नाइट एफ सिक्स, आप अपनी रेड पेन से इसे सर्कल करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। नाइट एफ सिक्स गलत मूव है, नॉर्मली यहां पे अर्ली अटैक आप कर सकते हो जैसे कि ई फाइव, सेंटर ब्रेक तुरंत होता है और डी टेक्स ई फाइव तो और भी गलत मूव है दोस्तों, डबल क्वेश्चन मार्क, मतलब ये है ब्लंडर मूव। बिशप एफ सेवन और आपको सिंपल क्वीन टेक्स क्वीन, तो यहां पे आप क्वीन जीत जाते हो दोस्तों। चलिए और भी देखते हैं इसमें बीसी फोर एन एफ सिक्स और ई फाइव, इसमें कुछ और भी मूव्स है ब्लैक के लिए। आप सोचोगे कि ये कैसे होता है, ई फोर सी फाइव डी फोर सी इंटू डी फोर सी थ्री डी टेक्स सी थ्री नाइट क्रॉस सी थ्री देन डी सिक्स बिशप सी फोर और नाइट एफ सिक्स। नाइट एफ सिक्स मैंने आपको पहले इससे वेरिएशन में बताया कि गलत है और हमें यहाँ पे ये मूव नंबर फिफ्थ सेम मिस्टेक, यहाँ पे हमको सेम मूव करना है ई फाइव। तब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि सर अगर उसने पॉन टेक्स पॉन नहीं किया, ये तो नॉर्मल ये सबको दिख जाता है कि मेरी क्वीन मर जाएगी, अगर मैंने पॉन मार दिया तो बिशप सैक्रिफाइस आ रहा है, जो भी एक्सपर्ट प्लेयर है उसे तुरंत ऐसे मूव मिल जाते हैं। पर ई फाइव के सामने ब्लैक का एक बेस्ट ऑप्शन ये है नाइट जी फोर, इतना भी बेस्ट नहीं है, यहाँ से व्हाइट की पोजीशन और भी उससे पहले से बेटर होती है। यहाँ पे आपको खेलना है ई सिक्स। अब देखो क्वीन टेक्स जी फोर की थ्रेट है, ई सिक्स में नॉर्मली एफ क्रॉस ई सिक्स लॉस इज द नाइट, आप देख सकते हो अगर पॉन से पॉन मार रहा है तो क्वीन से नाइट फ्री में मर जाएगा, तो एफ क्रॉस ई सिक्स नॉट पॉसिबल। बिशप क्रॉस ई सिक्स, अगर बिशप क्रॉस ई सिक्स कर रहे तो यहां पे सिंपल बिशप टेक्स बिशप पॉन टेक्स और क्वीन टेक्स नाइट मर रहा है, तो ये भी बैड मूव है। तो ब्लैक के पास ऐसा कौन सा मूव है जो डिफेंड भी कर सकता है एफ सेवन को, वो है नाइट ई फाइव। नाइट ई फाइव में भी आप ई क्रॉस एफ सेवन कर सकते हो, आफ्टर नाइट क्रॉस एफ सेवन सिंपल डेवलप करो नाइट एफ थ्री जी सिक्स शॉर्ट कैसल बिशप जी सेवन, ब्लैक ट्राई करता है जल्दी से जल्दी उसका शॉर्ट कैसल हो जाए, इसीलिए जी सिक्स मैंने मूव बताया आपको, ई सिक्स खेल सकता है लेकिन उसमें डेवलप में बहुत ही पीछे रह जाएगा और वाइट सेंटर से जल्दी अटैक कर देगा आर ई वन करके। तो यहाँ पे बी जी सेवन के बाद यहाँ से शुरू होता है अटैक बाय क्वीन टू बी थ्री, नाइट पे थ्रेट है। अब यहाँ पे अगर उसने शॉर्ट कैसल कर दिया सपोज, तो सिंपल बिशप क्रॉस एफ सेवन चेक, रुक क्रॉस एफ सेवन और नाइट जी फाइव विनिंग द एक्सचेंज, यहाँ पे आपको सिंपल एक्सचेंज मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियोस, आज के वेरिएशन आज के वीडियो में सॉरी, और मैं बैक टू बैक आपके लिए मोरा गैम्बिट के सारे वेरिएशंस लेके आऊँगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।